नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का यह वीडियो मैंने मार्च 6 यानी कि यार वेडनेसडे बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी बाद सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन अपना चेन और ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स के देख से बनाया है। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ, और इंडेक्स फ्यूचर्स में FII का आज अच्छा बाइंग था। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तबीयत डाउन थी। कल FII बहुत शॉर्ट करके गए थे, आज रिवर्सल है पूरा। आप देख सकते हो ये परसों 50 था, फिर 64 हुआ, वापस 46 पर आ गया है। रोज इधर उधर करते हुए FII ट्रेंड ही वैसा है, क्या करें। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बहुत नॉमिनल फ्रेश लॉन्ग, कोई शॉर्टिंग नहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से। प्रॉप डेस्क हैवी लॉन्ग है और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है। इनका भी आप देखो, एक दिन प्लस दूसरा दिन स्विफ्टिंग होते, बट इस बार वापस अपवर्ड मूवमेंट 21,000 तक। क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी शॉर्ट करके गए, लॉन्ग एंड वाइंडिंग तो बहुत कम है, बट क्लाइंट्स बहुत जबरदस्त शॉर्ट, इतना बड़ा इंट्राडे शॉर्ट काफी दिन बाद दिख रहा है ऐसा। परसों हमने देखा था कुछ हैवी इन्वॉल्वमेंट, 30,000 लॉन्ग, 42,000 शॉर्ट। आज फिर 30,000 फ्रेश शॉर्ट्स सिस्टम में आए। अब सिर्फ 50,000 क्वांटिटी क्लाइंट्स का नेट लॉन्ग है, ये नॉर्मली लाख के पास रहता है। इस बार क्लाइंट्स इतने बुलिश नहीं दिख रहे हैं मार्केट। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, इंडेक्स ऑप्शंस की, तो यहाँ पर FII जो कल काफी बेरिश स्टैंड थे, अभी भी स्टैंड बेरिश है, बट डिफरेंस ये है 1 लाख माइनस को 60,000 प्लस कर दिया। बट यहाँ देखिए पुट में जबरदस्त बाइंग है, माइनस पुट से प्लस में आ गए, तो दोनों साइड का अपना स्कोप क्वालिफाई है कि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वीक हो जा रहा है, वीक ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, तो दे वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और इसमें यस, इस पुट्स में थोड़ा बहुत उनके हेजेस भी होंगे जो यहाँ पर उन्होंने आज लॉन्ग किया था इंडेक्स फ्यूचर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का नॉमिनल पुट बाइंग। प्रॉप डेस्क जो बहुत बुलिश है मार्केट में, अभी भी स्टैंड बुलिश है, बट माइल्डली थोड़ा कम किया। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बाद कुछ नेट पोजीशन उनका कम आया, 71,000, बट कॉल लॉन्ग ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनका, उनका स्टैंड बुलिश ही है। क्लाइंट्स जो मार्केट को लेके बेरिश बायस थे, अब वो न्यूट्रल टू बेरिश बायस है। आप देखिए -55, अब -2 लाख, काफी बड़ा क्वांटिटी उनको नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ भी शॉर्ट और यहाँ भी शॉर्ट, और ऊपर से पुट्स में थोड़ा सा बाइंग को पलटी मार के शॉर्ट में आ गए, बट उनको लगता है, ये नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये 1:1 से थोड़ा ज्यादा का शॉर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, सो स्प्रेड्स है, बट कॉल में डेफिनेटली उनको लगता है नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, ऊपर तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। क्लाइंट्स की ये रीडिंग है फिलहाल मेजोरिटी क्लाइंट्स। स्टॉक फ्यूचर में FII का लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और शॉर्ट कवरिंग भी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा ज्यादा, वापस एक बहुत लो फिगर पर आ गए, 71,000। नॉर्मली हम देखते हैं बिलो 90, 60, 90 के बीच में FII का उतना लो से वापस टर्न अराउंड आता है, देखते हैं इस बार क्या होता है कल से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग भी है और थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट करते हुए। प्रॉप डेस्क ऑलमोस्ट सेम लॉन्ग और शॉर्ट में। क्लाइंट्स बहुत नॉमिनल लॉन्ग अनवाइंडिंग और कुछ शॉर्ट साइडेड है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया। क्लाइंट्स का पूरा दिलो दिमाग इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर में तो ज्यादा स्टैंड ऑफ चैन नहीं किया। स्टॉक कॉल्स में, स्टॉक ऑप्शन में जाने के पहले 5 डेज के लास्ट 5 डेज के हाईएस्ट हुआ है, इन चेज कर सकते हैं। ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम स्टॉक पर कोई ऐसा डेफिनेट ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि 5 डेज में आपको स्टॉक इंटरिम सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ जाता है या एक टारगेट अचीव करता है, बट क्योंकि वह बड़ा है, शायद आपको कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिल जाए, आप उसको चेक कर सकते हैं। PCR रेशियो एकदम फ्लैट, कोई चेंज नहीं। एडवांस डिक्लाइन मार्जिनली बेरिश था, मार्जिनली इवन दो रिकवरी सॉलिड हुई, मार्जिनली बेरिश। उसका कारण आज मिड कैप्स में बहुत हैवी सेलिंग थी और स्मॉल कैप्स में, और स्मॉल कैप तो डेरिवेटिव है नहीं, पर मिड कैप में काफी प्रेशर था, इसीलिए हमें वो पिक्चर ऐसे दिख रहा है। और IT डाउन से रिकवर किया, पर कुछ IT स्टॉक्स नेगेटिव में ही रहे। कैश मार्केट में दोनों इंस्टीट्यूशन ने भयानक बाइंग की आज, ऑलमोस्ट 4,900 करोड़, यानी कि क्लाइंट्स और प्रॉप ने बहुत डिलीवरी दिया। मार्च का महीना टैक्स हार्वेस्टिंग, बुकिंग प्रॉफिट हो रही है,
जबरदस्त क्वांटिटी में डिलीवरी दिया है इस बार क्लाइंट्स। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस में FII का 1:2 कॉल स्प्रेड और 3:2 का पुट स्प्रेड, यहाँ पर थोड़ा बेरिश स्टैंड लेते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, प्रॉप डेस्क 1:2 नहीं 1:1.75 कॉल स्प्रेड और पुट थोड़ा ज्यादा खरीदा है उन्होंने कॉल के सामने, अगेन थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना इंडेक्स फ्यूचर ना स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग ना ऑप्शन सेलिंग, इसीलिए ये वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा दिखता है, वो आज दिखा। बट क्लाइंट्स का शॉर्टिंग भी है कॉल और पुट में, बट बहुत बुलिश, सिर्फ 8,700 का बाय और 22,000 पुट सेल, यहाँ पर क्लाइंट्स थोड़ा डिफर करते हुए एक दूसरे के साथ आके। आज के टॉप गेनर और लूजर में टाटा कैम और एमजीएल, चलिए अब इनके चार्ट्स को भी पहले चेक करते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले ये डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ये दो स्टॉक्स के इचिमोकू और हार्मोनिक्स वाया कोई अगर हमें पैटर्न मिल जाए वो चेक कर लेते हैं। टाटा केमिकल में आज ये मैंने मंथली चार्ट जानबूझ के लगाया है और आप देखें स्टॉक ने अपने 50 ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई भी बोल सकते हो उसको सिर्फ 6 दिन इस मंथ से जब से चालू हुआ है मैं पूरा का पूरा रिकवरी किया है। 25% मूव एक लास्ट 6 दिन में इसका हुआ है। वीकली चार्ट देखते हैं एक बार तो यहाँ पर भी जबरदस्त 21% मूव फर्स्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट फोर्थ से ये वीक चालू हुई थी, जबरदस्त है। आप देखिए एकदम ऑल टाइम हाई के पास वापस आया, एकदम सॉलिड बुल रन जैसा मूव आज नॉन स्टॉप। इनफैक्ट आप देखिए लास्ट 3 दिन के कैंडल्स कितने सुपर डुपर, आज तो हैवी ड्यूटी सिनेरियो था इसमें पूरा प्लंज होते हुए। तो इसमें जो चेंजेस हुई है, पहले डेरिवेटिव का समझ लेते हैं कि लास्ट 5 डे के हिसाब से जो चेंज हुआ है इसमें वो हुआ है 25% का, 25.03% प्राइस चेंज है लास्ट 5 दिन के, और वही चेंज सिर्फ 0.46 है, मतलब कि पूरे शॉर्ट्स को निकाल के अब लॉन्ग में जा रहा है स्टॉक्स। 5 दिन के हिसाब से फिलहाल तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही हुई है इसमें, फ्रेश लॉन्ग्स मिसिंग है 5 दिन के हिसाब से। बट आज का भी अगर हम डेटा देखें तो आज 11% अप है स्टॉक, वही चेंज सिर्फ इसमें 1.5% की हुई है आज वो चेंज, मतलब ज्यादा बायर नहीं आए, फ्रेश लॉन्ग्स ऐड नहीं हुए डेरिवेटिव में आज, उतना सिर्फ 1.5% 11 दिन में, मतलब आज भी सॉलिड शॉर्ट कवरिंग हो रही थी इसमें। अब तो इसमें अगर फ्रेश लॉन्ग अगर ऐड होंगे तो और सॉलिड मोमेंटम इस स्टॉक का बन सकता है। तो उस हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, मैंने फिबोनाची का प्लॉट करके रखा था, उसका आ रहा है 1225, उसके ऊपर 12,075, ये दो फिबोनाची रेजिस्टेंस आ रहे हैं। सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट जो है आवरली सपोर्ट काफी नीचे है इसमें, ऑल द वे टू आपका 1125, यहाँ पर एक छोटा 1185 आवरली में है, 15 मिनट में 1125 का एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट 60 रुपीज दूर है मिनिमम, रेजिस्टेंस 40 रुपीज दूर फिलहाल। तो एनी पुल बैक इसमें तब देखते हैं इसमें क्या फ्रेश लॉन्ग ऐड होगा, तब शायद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दे ट्रेडर्स को इसमें भी। इसकी ऑप्शन चेन अगर हम चेक करें अब तो ऑप्शन चेन में तो एकदम जो ऐसे दिनों में होता है वो टिपिकल है, पूरा शॉर्ट कवरिंग होते हुए स्टॉक, बहुत ज्यादा ऑप्शन लिक्विड नहीं है बट फिर भी फिनोमिनल कवरिंग हुई है यहाँ पर देखिए 1100 पर, और उसके बाद एडिशन आज देखने को मिला। ये जो नीचे में राइटर फंस गए या जिनका लॉन्ग ऑलरेडी था जिन्होंने कवर्ड कॉल किया वो अपर साइड में आके अब राइटिंग कर रहे हैं, इधर पूरा पुट साइड में भयानक राइटिंग है। सो जो कॉल्स वाले जिनका कॉल में थोड़ा लॉस हुआ वो पुट राइट करके रिकवर कर रहे हैं, और अपर हायर लेवल पर भी कुछ ट्रेडर आ गए जिन्होंने लॉन्ग किया है उस हिसाब से। तो डेटा के हिसाब से इतना कुछ मेजर ओआई चेंज अभी तक तो फ्रेश नहीं हुआ है, मोर ऑफ लॉन्ग
और फ्रेश शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है फिलहाल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट स्टॉक चेक करते हैं एमजीएल। एमजीएल में आज काफी सेलिंग था। एमजीएल में आज 11-15% का डिक्लाइन है एमजीएल में, आप देख लो भयानक डिक्लाइन। और ओआई चेंज जो है आज सुपर डुपर है, 93% का इंट्रा डे ओआई चेंज है, 93% फ्रेश शॉर्ट्स इन द सिस्टम। और 5 दिन के हिसाब से भी स्टॉक 9.98, 10% डिक्लाइन पर है स्टॉक, और उसमें भी हैवी ड्यूटी ओआई चेंज हुई है, 116% ओआई चेंज दिखा रहा है। मतलब इसमें स्टॉक्स में पहले भी शॉर्ट्स बिल्डअप हो चुके थे, आज और बिल्डअप हुए हैं। मतलब ओवरऑल हैवी कंटिन्यूएशन ऑफ वीकनेस की तरह शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं इसमें, जो हमने रैली में टाटा कैम में नहीं देखा इस समय। इसका जो सपोर्ट है वो 1275 में है, और उसके नीचे सीधा 1225। तो पहला सपोर्ट तो काफी क्लोज है, 1275 बंद हुआ है, 1329, फिर 1225, अनदर 100 रुपीज। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 1375, और उसके ऊपर बहुत बड़ा चट्टा 1450 पर फिलहाल के लिए, बिकॉज यहाँ काफी कंसोलिडेशन, इनफैक्ट ये एरिया में स्मार्ट मनी का काफी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, शांति से उन्होंने माल डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरा फेब्रुवरी के अंदर। देखिए पूरा फेब्रुवरी 8 जोन में निकाल दिया स्टॉक ने, क्वाइटली इंस्टीट्यूशन हो या कोई स्मार्ट मनी ने इसको डंप किया है प्यार से बिना हल्ला किए, और आज उसका ट्रिगर आ गया है। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन इंडेक्स और सबको एक एक करके। शुरू करते हैं हम मिड कैप सेलेक्ट से, पर आगे बढ़ने के पहले अगर आपको यही सब इचिमोकू, फिबोनाची, हार्मोनिक पैटर्न्स और ऑप्शन चेन वो सब सीखना है, तो मेरे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और अगर कोई क्यूरी या डाउट हो तो मुझे एक ईमेल भेज सकते हैं, या ट्विटर में या कहीं मैसेज लिख गया, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर लूंगा आपके क्यूरीज के साथ। सो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में आज हैंगिंग मैन वाला कैंडल बना है, फॉलो थ्रू सेलिंग अगर आई इसमें तो ये काफी सिवियर सेल ऑफ हो सकता है। फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है, खाली बेरिश कैंडल होने से नहीं चलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो आज के कैंडल के बाद जो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, रेजिस्टेंस आ रहा है 11,025 पर, और सपोर्ट जो है वो 10,725 है आज का एग्जैक्ट लो। यहाँ पर उसके सपोर्ट है, सपोर्ट बहुत दूर है कंपेयर टू रेजिस्टेंस, पर उपाय नहीं है और कोई उसमें क्लियर वैसा दिख नहीं रहा मुझे। तो 10,900 और 10,850 के कॉल पुट के चार्ट्स को चेक कर रहा हूँ। तो पहले सपोर्ट समझ लेते हैं, सपोर्ट है 60, उसके बाद 50, फिर 35, और फिर तो खत्म ही हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस कहाँ है, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 75 है, बहुत क्लोज है, बट ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है उसके लिए 105 का। इसको अगर निकाल देगा 105 को एक बार, तो आराम से ये 175 तक जा सकता है। बीच में छोटे मोटे पॉज होंगे 120, बट काफी बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 100-105 का 10,900 के कॉल। 10,850 का पुट एकदम लोज पर बंद होते हुए, तो इसका भी हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ है इसका सपोर्ट। फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन ले रहा हूं, इसके हिसाब से ये तो एक्सट्रीम सपोर्ट के पास ही बंद हुआ है 55, उसके नीचे 40, और फिर सीधा 20 इसका सपोर्ट होता है। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका वो भी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 65, उसके ऊपर ऑल द वे, एक बीच में इधर 80, और फिर 100 पर रेजिस्टेंस। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर 10,850 पर एडिशन है, 10,000 नीचे की तरफ ज्यादा एडिशन है, 10,700,
सब जगह। यहां पर देखिए शॉर्ट कवरिंग है पुट राइटर का। पुट राइटर का जो कॉन्फिडेंस था कि मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको हम चला देंगे, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाते हुए, और तभी भी 11,000, 10,950, 10,900 पर OI काफी स्ट्रॉन्ग है। कॉल साइड देखें तो यहाँ पर हमें एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन 10,900 पर, ऊपर में भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेन एडिशन 11,000 पर होते हुए इधर थोड़ा इन द मनी पेनेट्रेशन भी है, और यहाँ जबरदस्त 10,800 जबरदस्त कॉल में राइटिंग। आदमी भी जब सुबह मार्केट वीक था तब के राइटर है, निकले नहीं बाद में, और यहाँ पर भी राइटिंग करके नहीं 750। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल इसको कैसे घुमाते, पर फिलहाल तो 10,900 का पुट कॉल रेशियो बहुत बेरिश है, बहुत बेरिश इसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए है वो है 10,775, उसके नीचे 10,675, रेजिस्टेंस 10,975, उसके ऊपर 11,075। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में काफी आज स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आई और काफी अच्छा स्पाइक आया उसमें आज पूरे दिन। बैंक निफ्टी के संग यही एक दूसरा सेक्टर था जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो अब कल के लिए रेजिस्टेंस का, कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,275 पर, 175 सॉरी 21,175 जो काफी ऊपर है फिलहाल के लिए, बट उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है फिन निफ्टी में। सपोर्ट 20,900, 20,900 पर यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये होल्ड होगा तो फर्दर अपसाइड कंटिन्यूएशन वेरी मच पॉसिबल है फिन निफ्टी के केस में। तो चलिए इनके ऑप्शन चार्ट, क्योंकि बंद हुआ है 21,986, तो 21,000 के स्ट्रैडल कॉल पुट को चेक करते हैं। तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, टू मच साइडवेज, देखिए कितना भयानक साइडवेज का पोर्शन हुआ है इसमें, और जो इसका रेजिस्टेंस अभी सामने आ रहा है वो इमीडिएट तो आपका 150 से लेके 175 है, उसके बाद सीधा अपसाइड 215 है। और अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो 220, 235, 250, 265 एंड सो ऑन काफी कुछ कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला ट्रेंड लाइन उसका। इसको निकालना, क्योंकि काफी दिनों से इसी जोन में चिपका हुआ था, अगर ये जोन निकाल देगा तो अच्छा मूव आएगा। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट फेल हुई है ये लेवल को निकालने के लिए, तो उसके ऊपर तो रॉक सॉलिड है। और अगर डाउनवर्ड देखें सपोर्ट तो ये रहा 108, यहाँ पर एक दो, आज का इग्नोर करते हैं, एक दो अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर इसको ब्रीच कर देता है डाउनवर्ड साइड में तो सपोर्ट्स कहाँ है, और फिर तो खराब ही है सीन इसका। तो ये लेवल्स को आप माइंड में अपना सेट करके रख सकते हैं। 21,000 का पुट, अगेन यहाँ में भी देखिए बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बड़ा वॉल है ये, कंटिन्यूस रिजेक्शन हुआ है यहाँ से 155, उसके बाद 175 और उसके बाद सीधा 215। सपोर्ट कहाँ है इसके लिए, क्योंकि कई बार स्लो लोअर हाई लोअर लो मारते हुए ये पुट 100, 10, 100, 90, 80, फिर सीधा 70 और फिर तो गेम ओवर ही सब्जी इसका। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में एडिशन ही एडिशन है पुट साइड, मेन एडिशन 21,000 पर है, आज फर्स्ट डे था, कंसोलिडेशन पर एडिशन है, ऊपर इन द मनी में भी है, 21,200 तक पेनिट्रेशन है। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 2,800 से 2,900 तक, अभी भी ओआई बड़ा है 2,900 का, उसके ऊपर एडिशन में इतना जोर नहीं है। कंसोलिडेशन पर एडिशन 21,000 में,
और फिर ऊपर में है, बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा 21,200 पर नेक्स्ट जब करें। ये 21,200 दोनों साइड में आप देखिए, राइटर बरकरार दोनों साइड, उसके ऊपर भी है, बट फोकस लग रहा है ट्रेडर्स का निफ्टी में ज्यादा था आज, और बैंक निफ्टी स्क्वायरिंग अप पर इधर ध्यान कोई नहीं दे रहा था। एनीवे 21,000 का जो पुट कॉल रेशियो है वो काफी बुलिश है इस समय, तो एक बुलिश ट्रेंड है इधर बरकरार। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए वो है 2,800, 2,600 उसके, और अपसाइड में 21,200 उसके ऊपर 21,400। चलिए बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जिसकी आज वीकली एक्सपायरी थी, आज अगर ये प्लस में नहीं होता इतना तो शायद निफ्टी आज काफी डीप रेड हो सकता था। अकेला ये और फिर निफ्टी पूरी कोशिश लगा रहे थे ये खास करके निफ्टी को कंट्रोल करके अपवर्ड मूव देने में, जिस तरीके से हमने इनिशियली आईटी में सेलिंग देखा और मिड कैप्स में सेलिंग देखा था, एक गजब स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी का उसने आज फिर से दिखाया मार्केट में आके। बेरिश गाटले जो बनाया था इसमें वो अभी तक रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं दिया है उसने, और अगर ये बेरिश गाट ले और अब प्रोसीड करेगा अबव 48,200 तो नेगेट हो जाएगा ये पैटर्न, फिर मेरे हिसाब से वैलिड नहीं रहेगा। 48,200 लास्ट होप है इस बेरिश एंगल का, इसके ऊपर सिर्फ बुलिश ही बुलिश जैसा सिनेरियो हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल का जो रेजिस्टेंस है 48,200 क्योंकि बहुत क्लोज है फ्रॉम अ हार्मोनिक पॉइंट ऑफ व्यू, उससे बेटर स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 48,375 पर है, नीचे सपोर्ट 47,700 पर सपोर्ट है इसका फिलहाल के लिए, जो काफी दूर है। यस 47,7 नहीं वो ज्यादा दूर नहीं है, रेजिस्टेंस ज्यादा दूर सॉरी इसमें। तो चलिए क्योंकि 47,975 बंद हुआ है, 48,000 का कॉल पुट चेक कर लेते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी है। सपोर्ट है 310, फिर सीधा आके 225 और फिर 175। रेजिस्टेंस तो इमीडिएट वहीं बंद हुआ है 425, फिर 525 और यहाँ 590 के ऊपर पॉकेट में रॉकेट जैसा सिनेरियो बना देगा फिन बैंक निफ्टी। यहाँ तक उसको अच्छा स्कोप है भागने का, फिर 625 उसके पहले यहाँ पर भी देखिए रिजेक्शन हुआ है, तो ये लेवल्स क्रूशल, इनको निकालते ही रॉकेट मूव आ जाएगा 48,000 के कॉल में। चलिए 48,000 का पुट भी चेक कर लेते हैं, एकदम लोज पर है, यहाँ से कई बार रिजेक्शन हुआ है 480 उसके ऊपर 550, 550 के बाद 765 इसका है, इसके सपोर्ट्स को ढूंढते हैं पहले। तो सपोर्ट है 355, 320, 300, 275, 225 इसका सपोर्ट लेवल है। तो ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो इसमें जो आज कल से नई एक्सपायरी है, यहाँ देखिए 47,48,000, इवन दो राउंड फिगर है बट सॉलिड एडिशन, 48,100, 48,200 तक एडिशन है, नीचे नीचे इधर में इनसिग्निफिकेंट है, मेन एडिशन 47,500 पर होते हुए, बट है बुलिश, पूरा पुट राइटर का बुलिश सिग्नल दिख रहा है। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग है, अंडरस्टूड है कल के पुट बायर कॉल बायर्स, और थोड़े बहुत ट्रैप्ड है अभी भी 47,000 पर, 47,500 पर, 47,900, मेन एडिशन 48,000 पर होते हुए। 48,000 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश है, फिलहाल इसमें ऊपर में भी सॉलिड एडिशन होते हुए, सो कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस है कि नहीं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, जो होना था आज हो गया, अब थोड़ा सा स्क्वीज रहेगा, वैसा सिनेरियो बनते हुए फिलहाल के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 47,500 उसके नीचे 47,100, रेजिस्टेंस 48,400 उसके ऊपर 48,800। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं।
तो निफ्टी में आज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, काफी पेयर स्ट्रॉन्ग कैंडल था, कर्टेसी ये कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, फिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग, और सेकंड लास्ट 1.5 आवर में आईटी का रिकवरी फ्रॉम माइनस डीप टू प्लस, सॉलिड रिकवरी आज आईटी ने दिया। तो जब तीन हैवी वेट एक साथ भाग रहे थे तो निफ्टी को भी वापस एक एटीएच के और जाना ही था उस हिसाब से। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है कल का वो 10,22,525 पर है कल के लिए, और सपोर्ट जो है वो 22,350 पर है फिलहाल के लिए। तो चलिए, क्योंकि 475 बंद हुआ है, मैंने 25,000 और 22,500 और 22,450 का स्ट्रैंगल का चेक कर रहा हूँ। तो 22,500 का जो सपोर्ट है वो 50 के नीचे सीधा 35 और फिर 25, रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस है 85, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस 105 पर है। 105 के ऊपर ये काफी स्ट्रांग हो सकता है ऑल द वे टू 175। चलिए इसका पुट का भी चेक कर ले। पुट एकदम क्रैश लैंडिंग करते हुए काफी डीप फॉल है पुट का। पहले पुट के सपोर्ट्स को खोज लेते हैं। फोर्टी वन के बाद कुछ नहीं है, एकदम सीधा डार्क प्लंज दिखा रहा है इधर में। चलिए एक्सटेंशन, ट्रेंड एक्सटेंशन में, ट्रेंड रिट्रेसमेंट में देखते हैं एक बार। यस, इधर भी कुछ नहीं है, 35 के नीचे पूरा गेम ओवर है इसका ऑल द वे डाउन तक। सो लास्ट होप है जिनका 22,450 पुट लॉन्ग, अगर ये 35 नहीं रोकेगा, 30-35, तो टफ हो जाएगा इसके लिए फिर रिकवर करना फुल डे कल इसमें। और रेजिस्टेंस का है, क्योंकि ये 15 मिनट में मुझे रेजिस्टेंस 125 में दिख रहा है जो बहुत दूर है, मैं 5 मिनट में चेक करता हूँ। तो 5 मिनट में भी यहाँ थोड़ा सा कैंडल्स बने हैं, एक पहले यहाँ 52, फिर एक यहाँ 75, फिर सीधा 125 इसका। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में जबरदस्त राइटिंग देखिए, ये तो हीरो जीरो वाले हैं, या जिन्होंने ऊपर के स्ट्राइक्स बेचे हैं वो नीचे यहां तक का पेनेट्रेशन देखिए, जबरदस्त पूरा एंट्री लेते हुए इन द मनी 22,600 तक पुट राइटर, भयानक पुट राइटिंग सब जगह, एकदम रॉक सॉलिड पुट राइटिंग। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग एज एंटिसिपेटेड, और यहाँ शॉर्ट कवरिंग 22,350, 22,400 शॉर्ट कवरिंग होते हुए यहाँ भी 22,450 में भी। जो सब राइटर यहाँ फंस गए उन्होंने यहाँ अपना कैरी फॉरवर्ड किया है, कुछ लोगों ने इधर में अपना पोजीशंस को शॉर्ट। फिलहाल 22,500 का कॉल पुट रेशियो बेरिश ही है, 41 लाख 68 लाख फिलहाल। तो यही हमें कल 30 मिनट्स में सिग्नल दे देगा कि क्या एक्सपायरी 22,500 के ऊपर होगी कि नहीं। तो आज के ओपन आए लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं वो है 22,275, उसके नीचे 22,075, रेजिस्टेंस 22,675, उसके ऊपर 22,875। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजिशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।